हाय फ्रेंड्स, हमने आपको एक नया ऐप अपडेट दिया है। कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें उसके बारे में ज़्यादातर मालूम नहीं है, तो उसका एक तरीका ये यूज़ करने का है कि जब आप मेरी ऐप खोलोगे, वहाँ मैसेज का ऑप्शन आती है, वहाँ पर एक लिस्ट खुलती है, उसको FAQ बोलते हैं। आप अगर आपके डॉग को कोई भगवान ना करे कोई सीरियस प्रॉब्लम हो, तो आप FAQ में जो लिस्ट खुलेगी उसमें आपको नॉर्मली डॉग खाना नहीं खा रहा, भगवान ना करे लूज मोशन, वॉमिटिंग एक्सेट्रा प्रॉब्लम का हल ऑलरेडी वहाँ है। इसका फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि जो भगवान ना करे किसी का डॉग एमरजेंसी में हो, जो मस्ट नीडेड है, तो उसका ऑप्शन मैसेज सीधा मेरे पास आ जाता है। नहीं तो 90% आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनके रिलेटेड मेरी ऑलरेडी वीडियोस होती हैं। तो ये FAQ हमने इसलिए चालू किया ताकि आप ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी ही अपनी प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल जाए, आपको वेट ना करनी पड़े मेरी रिप्लाई की। तो फ्रेंड्स, आप नए ऐप को जरूर यूज़ कीजिए, अपलोड कीजिए, और ये FAQ फंक्शन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब प्लीज़ अपने डॉग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हमारी वीडियोस है उस लिस्ट में, आप चेक कीजिए, तो आपको अभी मेरी रिप्लाई की वेट नहीं करनी पड़ेगी, आप अपने डॉग की प्रॉब्लम वीडियो देखकर सॉल्व कर सकते हो। हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस हमारे गेस्ट हैं रॉटवाइलर, मिस्टर रॉटवाइलर, हैवी बोन, शॉर्ट मसल एंड पंचिंग फेस। ओके फ्रेंड्स, नाउ इसकी प्योरिटी आप सब जानते हो, ये लगभग और ये रॉटवाइलर ब्रीड जर्मन से है, और इसकी प्योरिटी आप इसके लुक से चेक कर सकते हो, और ब्लैक एंड टैन कलर में, हैवी बोन, ऑलवेज लुकिंग गुड। और अब मैं बात बताऊं कि ये फर्स्ट टाइम डॉग ऑनर के लिए कैसा ब्रीड है। बहुत अच्छी ब्रीड है। जैसे अभी हमारा इंडिया 80% विलेज में रहता है माई फ्रेंड, तो ये फार्म हाउस, फैक्ट्री, बड़े घरों के लिए विलेज डॉग बहुत अच्छा है। इसके हेल्थ इश्यूज बहुत कम है, हर मौसम में अपने आप को बड़े आराम से एडजस्ट कर लेता है। गर्मियों में कोई ज़्यादा हेल्थ इशू, जैसे हमारे पास बहुत इंपोर्ट ब्रीडें हैं लंबे बालों वाली, बहुत हेल्थ इश्यूज आते हैं समर के टाइम में, लेकिन इस ब्रीड में अभी ऐसा नहीं है। अभी आप चेक कर रहे हो इसका कोट काफ़ी लंबा है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जब बेबी कोट जाएगा इसके बहुत ही शॉर्ट कोट रह जाता है, वो इसको काफ़ी हेल्प करता है गर्मियों में टेम्परेचर मेंटेन रखने में अपनी बॉडी का, और सर्दियों में तो ये काफ़ी इंजॉय करता है। तो ये ब्रीड काफ़ी अच्छी है, लेकिन बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के ये रूमर है या बात चल रही है कि ये मालिक को खा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे फ्रेंड। अगर आप इसको छोटे घर में रखोगे तब ये एग्रेसिव होने के कुछ हद तक चांसेस होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर बड़े घर में रहना पसंद करता है, विला है, फार्म हाउस है टाइप आपका, वहाँ काफ़ी अच्छा गार्डनिंग करता है, और ये उन सब ब्रीडों में है जो अपने मालिक के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। ये काफ़ी लॉयल है अपने ऑनर के लिए। आप बहुत सारे मेरे फ्रेंड ये पूछते हैं कि बड़ा डॉग में रॉटवाइलर का अडल्ट लूँ, नो मत लीजिए, क्योंकि ये अपने फर्स्ट ऑनर के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, उस अलग अलग का बिहेवियर है। खान पान में कोई ज़्यादा इनका इश्यूज नहीं है, लार्ज ब्रीड डॉग जरूर है, लेकिन बड़े आराम से ये आप इसको डाइट मेंटेन रख सकते हो। और अगर आप कोई भी, अगर आपका घर छोटा है, आप बिल्कुल रॉटवाइलर के बिल्कुल बहुत दीवाने हो, रखना चाहते हो, तो आप फीमेल रख सकते हो इसकी। फीमेल काफ़ी अंडरस्टैंडेबल ब्रीड होती है रॉटवाइलर में, और आप जब भी लो हैवी बोन पप्पी लो, और अगर आप फीमेल का एक फ़ायदा ये है कि वो अपना खर्चा खुद उठा सकती है अगर आप ब्रीडिंग के पर्पसेस ले रहे हो। तो रॉटवाइलर फर्स्ट टाइम डॉग ऑनर के लिए बहुत अच्छा डॉग है, बट बी श्योर कि आपका घर बड़ा हो और आप प्योर डॉग हो, क्योंकि कभी जब मिक्सिंग होती है इसमें तब प्रॉब्लम ये आती है। हमें रॉटवाइलर का एक तो जो जेन्युइन है हमें मालूम है कि कितनी एज में, मान लीजिए 3 मंथ में, एज ए एग्जाम्पल 3 मंथ में इसका बॉडी वेट 10 kg से प्लस होना चाहिए, लेकिन जब कोई इसको मिक्स करेगा किसी ब्रीड के साथ, कुछ मेरे फ्रेंड जर्मन शेफर्ड के साथ करते हैं, कुछ मेरे फ्रेंड चीटिंग करते हैं डॉबरमैन के साथ, तब आप इसके बिहेवियर, बॉडी स्ट्रक्चर, अब कितनी एज में क्या बॉडी वेट होगा, फिर आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। तो मैं फ्रेंड, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये कोई इंसान को काटता नहीं है, जब तक हम इसको कंफर्टेबल जोन में रखते हैं, बड़े घर में रहते हैं, खान पान प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलता है, तो ये कोई एग्रेसिव ब्रीड नहीं है। इरीटेट मत कीजिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर आप कहोगे तो चौचौ ब्रीड सबसे छोटी है, उसके जो काटने के इंसिडेंट हैं वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो रॉटवाइलर इज नॉट टू डेंजर, फर्स्ट टाइम डॉग ऑनर के लिए काफ़ी अच्छा है। बी श्योर आप प्योर ब्रीड लीजिए और अच्छी हैवी क्वालिटी वाला डॉग लीजिए माय फ्रेंड।
अच्छी ब्लड लाइन लोगे, अच्छे ब्रीडर के साथ लोग आप कॉन्टैक्ट करोगे, तो आपको ये एक आपका फेवरेट जो काफ़ी इंडिया में फेमस ब्रीड है गार्डिंग के लिए नंबर वन है, वो आपके घर में आ सकता है माई फ्रेंड। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड, से बाय। और फ्रेंड्स एक मैं आपके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं जितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ विदाउट योर हेल्प मैं आई एम नथिंग, तो मुझे एक आपकी हेल्प चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरी वीडियो शेयर कीजिए। जो घर बैठे अपनी डॉग की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, तो अगर आप जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर करोगे तो वो भी घर बैठे अपने तरीके से अपने डॉग को बेटर तरीके से डॉग को मैनेज कर पाएंगे, उनको बेटर तरीके से खान पान और अच्छे तरीके से प्योर ब्रीड की भी जज कर पाओगे, क्योंकि मेरे टॉपिक हर एक सिंगल वीडियो टॉपिक्स पर हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर वो डॉग लवर नहीं भी हैं तो उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन अगर डॉग लवर हैं तो ज़रूर 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 शेयर कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप जितना हो सके मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक से ही मेरे को एनर्जी मोटिवेशन आता है न्यू टॉपिक्स उठाने में, आपके क्वेश्चन के आंसर देने में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आई नीड एनर्जी, आई नीड अ बूस्ट अप, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को जरूर लाइक्स कीजिए, थम्स अप दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स डॉग रखते हैं लेकिन नॉलेज बहुत कम है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इंडिया का कोई भी डॉगी कभी भी सिक ना हो, अच्छा खान पान रहेगा तो ऑटोमेटिकली बीमारियों से डॉग को कम बीमारियाँ लगेंगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी और वीडियोज नहीं देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में जो बेल आइकॉन वाला बटन है वो ज़रूर 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 प्रेस कीजिए, ताकि हमारा जो वीडियोस आता है आपको सेम टाइम नोटिफिकेशन जाए।